हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है क्योंकि आपको अपनी हेल्थ का ख्याल है और कोई ना कोई वर्कआउट भी फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉपर फॉलो कर नहीं पा रहे क्योंकि किसी ना किसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से आपको गिव अप करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल हो सकती है। हम में से बहुत से लोग बहुत बार बहुत कुछ ट्राई करते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद हमें लगता है कि हम इसमें फिर से फेल हो गए हैं। थोड़े टाइम के बाद फिर से किसी की मोटिवेशनल स्पीच, कोई वर्कआउट या कोई डाइट प्लान हमें इंस्पायर करता है और फिर हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, विच इज़ गुड। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि वो चीज़ें भी एक लिमिटेड टाइम तक ही असर करती हैं, देन अगेन वी गिव अप। और बार बार किसी फिटनेस रूटीन को शुरू करना और बार बार उसमें फेल हो जाना कहीं ना कहीं हमारे करेज को ब्रेक कर देता है और हमें लगता है कि ये हमारे लिए है ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टॉप थिंकिंग लाइक दिस। फेलियर्स आर नॉट बैड। आप 100 times फेल होंगे, 1000 times फेल होंगे, बट दैट्स ओके। फेलियर्स आर पार्ट ऑफ आर लाइफ। सक्सेस की रियल वैल्यू फेलियर देखने के बाद ही होती है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसने अपनी लाइफ में कभी कोई फेलियर ना देखा हो। सो स्टॉप थिंकिंग दैट यू कैनॉट डू दिस। तो चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज करना सबके लिए कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हाँ, ज़रूरी सबके लिए है। अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल कोई पर्टिकुलर वर्कआउट फॉलो करना शुरू करते हैं तो सिर्फ 1% लोग ही उस फिटनेस प्रोग्राम के साथ स्टिक रहते हैं और 99% लोग बीच में ही छोड़ जाते हैं। एक्सरसाइज के साथ हमेशा कनेक्टेड रहना या उसे बीच में ही छोड़ देना डिपेंड करता है कि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट है। फॉर दोज हु लव टू डू वर्कआउट, इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, बट दोज हु डोंट लव टू डू वर्कआउट, इट्स नथिंग। बट ऐसा इसलिए है क्योंकि हम खुद को फिट रखने के लिए दूसरों को देखते हुए ऐसे वर्कआउट्स फॉलो करने की कोशिश करते हैं जिन्हें करना हमें कुछ खास पसंद नहीं। तो क्यों करनी है वो चीज़ें जिनसे नफरत हो, जिन्हें करने से खुशी ना मिलती हो? क्यों ना कुछ ऐसा ट्राई किया जाए जिन्हें करने में इंजॉयमेंट भी हो और आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाए। प्लीज़ डोंट डू वेट ट्रेनिंग, डोंट रन इफ़ यू डोंट लाइक इट। और भी तो कितने सारे ऑप्शंस हैं। बच्चों के साथ कोई आउटडोर गेम लाइक बास्केटबॉल, बैडमिंटन या फुटबॉल भी खेल सकते हैं। डांस इफ़ यू लव टू डांस। कुछ नहीं तो 5 मिनट की वॉक से ही स्टार्ट करें, ओनली 5 मिनट्स, दैट्स इट। नो मैटर कि कोई और कौन सा वर्कआउट फॉलो कर रहा है, सबकी अपनी बॉडी स्ट्रेंथ होती है। जो उनके लिए अच्छा है ज़रूरी नहीं वो आपके लिए भी अच्छा हो। जो डाइट प्लान दूसरों को सूट करता है ज़रूरी नहीं कि वो आपको भी सूट करे। सो आस्क योरसेल्फ कि आपको क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। क्योंकि 1 hour और 30 minutes वो करना जो बिल्कुल पसंद नहीं, से अच्छा है कि 5 मिनट या 10 मिनट वो करें जो खुशी देता हो। क्योंकि बॉडी और माइंड पे वही चीज़ें ज़्यादा अच्छा इफेक्ट करती हैं जो अंदर से खुशी देती हैं। सो एक बार फिर से कहूँगी, स्टार्ट विद ओनली 5 मिनट्स वॉक। अपनी बॉडी को इसकी आदत होने दें। बड़े टारगेट्स ना बनाएं कि इतने दिन में इतना केजी कम करना ही है। नो, यू डोंट नीड दिस, क्योंकि यही रीज़न है हमारे बार बार फेल होने का। फॉरगेट केजीज एंड कैलोरीज इन स्टार्टिंग। डू इट जस्ट फॉर योर इनर हैप्पीनेस एंड फॉर योर गुड हेल्थ। स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा करने से भी अगर आपको ये सेटिस्फेक्शन हो जाए कि आप अपने और अपने ऑर्गन्स के लिए एटलीस्ट कुछ तो कर रहे हैं, तो वो भी बहुत है। वेट लूज करना ही फिटनेस नहीं है। व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ फिटनेस, उसके लिए आप मेरी वीडियो हाउ टू रीच योर फिटनेस गोल्स देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो स्टार्ट करें थोड़े से, बिना ये सोचें कि 5 मिनट से क्या होगा, क्योंकि 30 मिनट्स के वर्कआउट को शुरू करने के बाद बीच में ही छोड़ देने से अच्छा है कि आप 5 मिनट्स की वॉक डेली करें, तब तक जब तक आप उसे खुद अपनी खुशी से 10 मिनट्स या 15 मिनट्स ना कर लें। और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक्सरसाइज करने से आपको कब प्यार हो जाएगा। हो सकता है कि इस चीज़ को होने में थोड़ा टाइम लगे, बट देयर इज़ अ कोट, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मकसद मंजिल तक पहुंचना है और एक ऐसी चीज़ को अपनी आदत बनाना जो किसी भी दूसरे काम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मंथ में 4 kg कम करने की बजाय टारगेट 1 kg का रखें। मेक ओनली स्मॉल गोल्स, डोंट फोर्स योरसेल्फ टू डू लॉन्ग वर्कआउट्स। क्योंकि अगर आपको वर्कआउट करना पसंद नहीं तो फोर्सफुली आप उसे सालों तक या पूरी लाइफ नहीं कर सकते। सो बाय डूइंग स्लोली पहले उसमें ही इंटरेस्ट पैदा करें। फ्यूचर की सोचते हुए इतना याद रखें कि हमारी बैड ईटिंग हैबिट्स की वजह से हमारे बॉडी के ऑर्गन्स कितना कुछ टॉलरेट करते हैं।
टेक केयर ऑफ़ योर ऑर्गन्स, अगर ये रुक जाएंगे तो ज़िंदगी रुक जाएगी। एक बार मैंने व्हाट्सएप पे एक मैसेज देखा था जिसमें हमारा हार्ट हमसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पूरी उम्र चलता हूँ, तुम बस मेरे लिए रोज़ एक घंटा चलो। तो चलिए हार्ट के लिए ही करें, पर स्टार्ट तो करें, और वो भी एक फर्म डिसीज़न के साथ कि अब गिव अप नहीं करेंगे। बट गिव अप करने का मन तो करेगा ही, क्योंकि ह्यूमन माइंड है ही ऐसा, ज़रा सा भी डिस्कम्फर्ट हमें डिस्टर्ब कर देता है। तो यहाँ पर फिर काम करती है इंटरनल मोटिवेशन। मोटिवेट योर सेल्फ डेली बाय सेइंग दैट यू आर द पर्सन हु इज़ स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, सो गेट अप एंड गो फॉर इट। I love to do workouts, but जब कभी मेरा भी मूड नहीं होता तो मैं इसी तरह से खुद को मोटिवेट करती हूँ। डेली इंटेंस वर्कआउट ना करके मैंने वीक में 2 दिन वॉक के लिए रखे हैं, जिसमें सैटरडेज़ को मैं बिल्कुल लाइट वॉक करती हूँ। कभी कभी तो बस योगा मैट पे लेट के हल्की एक्सरसाइज ही करती हूँ, और इस तरह करने से नेक्स्ट डे से फिर से मुझे फुल एनर्जी मिलती है और मैं रेडी हो जाती हूँ। अपने आप को कभी किसी से कम ना समझें। डोंट गिव नेगेटिव वाइब्स टू योर सेल्फ। कोई और आपके बारे में नेगेटिव कहे समझ में आता है, बट आप खुद क्यों? आई ऑलवेज से लव योर सेल्फ बिफोर लविंग एनी वन, एंड हाउ टू लव योर सेल्फ, इसके रिगार्डिंग मेरी एक वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर, अपनी बॉडी शेप से ज़्यादा अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। ऑलवेज ईट हेल्दी फूड्स, सबको हेल्दी ही खाना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आपकी फैमिली वो नहीं खाना चाहती जो आप खाना चाहती हैं, देन कुक सेपरेटली फॉर योर सेल्फ। हेल्दी फूड कुक होने में अनहेल्दी फूड से बहुत कम टाइम लेता है। डोंट कॉम्प्रोमाइज विद योर हेल्थ, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी खाएँ इंजॉय करते हुए खाएँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्थ अच्छी हो तो हर चीज़ अच्छी लगती है, बट अगर हेल्थ साथ नहीं तो कोई कितनी भी फेवरेट चीज़ आपके सामने पड़ी हो आप उसे इंजॉय कर ही नहीं सकते। यू ऑल आर माई फैमिली, मैं कभी आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करना ही नहीं चाहती जो आप में से किसी को भी हार्म करे। बहुत से व्यूअर्स मुझसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइट्स प्लान की डिमांड करते हैं। सॉरी टू से गाइज, बट आई एम नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट। आप सबकी तरह ही एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ, बट अपनी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस किया है और करूँगी बस वही आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। अगर कोई नया डाइट प्लान खुद पे एक्सपीरियंस करूँगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगे तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और लाइक करें इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।